हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल ए टू जेड स्टोरीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अंधेरा कितना भी हो उसकी चिंता मत करो, ये ओशो ने कहा है। अंधेरा कितना ही हो चिंता ना करो, अंधेरे का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अंधेरा कम और ज़्यादा थोड़े ही होता है, पुराना नया थोड़े ही होता है। हजार साल पुराना अंधेरा भी अभी दिया जलाओ और मिट जाएगा, और घड़ी भर पुराना अंधेरा भी अभी दिया जलाओ तो मिट जाएगा। अंधेरा अमावस की रात का हो तो मिट जाएगा, और अंधेरा साधारण हो तो भी मिट जाएगा। अंधेरे का कोई बल ही नहीं होता। अंधेरा दिखाई बहुत पड़ता है मगर बहुत निर्बल है, बहुत नपुंसक है। ज्योति बड़ी छोटी होती है लेकिन बड़ी शक्तिशाली है, क्योंकि ज्योति परमात्मा का अंश है, ज्योति में परमात्मा स्थित है। अंधेरा तो सिर्फ नकार है, अभाव है, अंधेरा है नहीं। इसीलिए तो अंधेरे के साथ तुम सीधा कुछ करना चाहो तो नहीं कर सकते, ना तो अंधेरा ला सकते हो ना हटा सकते हो। दिया जला लो, अंधेरा चला गया। दिया बुझा दो, अंधेरा आ गया। सच तो ये है कहना कि अंधेरा आ गया, चला गया ठीक नहीं, भाषा की भूल है। अंधेरा ना तो है ना आ सकता ना जा सकता। जब रोशनी नहीं होती तो उसके अभाव का नाम अंधेरा है, जब रोशनी होती है तो उसके अभाव का नाम अंधेरे का ना होता, अंधेरे का ना होना है। अंधेरा कितना ही हो और कितना ही पुराना हो कुछ भेद नहीं पड़ता। जो दिया हम ला रहे हैं, जो रोशनी हम जला रहे हैं, वे इस अंधेरे को तोड़ देगी, तोड़ ही देगी। बस रोशनी जलने की बात है, इसलिए अंधेरे की चिंता ना लो। रोशनी के लिए ईंधन बनो, रोशनी के लिए ईंधन बनो। इस प्रकाश के लिए तुम्हारा स्नेह चाहिए। स्नेह के दो अर्थ होते हैं, एक तो प्रेम और एक तेल। अर्थों में तुम्हारा स्नेह चाहिए, प्रेम के अर्थों में और तेल के अर्थों में, ताकि ये मशाल जले। अंधेरे की बिल्कुल चिंता ना लो, अंधेरे का क्या भय। सारी चिंता, सारी जीवन ऊर्जा प्रकाश के बनाने में नियोजित कर देनी है, और प्रकाश तुम्हारे भीतर है, कहीं बाहर से लाना नहीं है, सिर्फ छिपा पड़ा है, उघाड़ना है, सिर्फ दबा पड़ा है, थोड़ा कूड़ा करकट हटाना है। मिट्टी में हीरा खो गया है, जरा तलाशना है। और तूने कहा प्रकाश के दुश्मन भी बहुत हैं, सदा से हैं, कोई नई बात नहीं, मगर क्या कर पाए प्रकाश के दुश्मन। प्रकाश के दुश्मन खुद दुख पाते हैं और क्या कर पाते हैं। जिन्होंने सुकरात को जहर दिया, तुम सोचते हो सुकरात को दुखी कर पाए, नहीं, असंभव। खुद ही दुखी हुए, खुद ही पश्चाताप से भरे, खुद ही पीड़ित हुए। सुकरात को सूली की सजा देने के बाद न्यायाधीश सोचते थे कि सुकरात क्षमा मांग लेगा, क्षमा मांग लेगा तो हम क्षमा कर देंगे, क्योंकि ये आदमी तो प्यारा था, चाहे कितना बगावती हो। इस आदमी की गरिमा तो थी। असल में सुकरात जिस दिन बुझ जाएगा उस दिन एथेंस का दिया भी बुझ जाएगा, ये भी उन्हें पता था। सुकरात की मौत के बाद एथेंस फिर कभी ऊंचाइयां नहीं पा सका। आज क्या है एथेंस की हैसियत? आज एथेंस की कोई हैसियत ही नहीं है। इन 2500 सालों में सुकरात के बाद एथेंस ने फिर कभी गौरव नहीं पाया, कभी फिर स्वर्ण नहीं चढ़ा एथेंस पर। और सुकरात के समय में एथेंस विश्व की
बुद्धिमता की राजधानी थी, विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिभा का प्रकटायच वहाँ हुआ था। एथेंस साधारण जगह नहीं था जब सुकरात जिंदा था। सुकरात की ज्योति से ज्योतिमर था, सुकरात की ज्योति से ही ज्योति में था, जगमग था। लेकिन सुकरात को जहर दिया तो ज्योति बुझ गई। इसलिए अंधेरे की चिंता मत करो क्योंकि अंधेरा है ही नहीं। उसकी चिंता मत करो क्योंकि चाहे कितना भी पुराना अंधेरा हो, तुम्हारे एक दिया जलाने से वो अंधेरा मिट ही जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।